तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं मोदी नगर साउथ के स्टेशन से लेकर मोदी नगर नॉर्थ का स्टेशन और मेरठ साउथ का स्टेशन। तो आप बने रहिए केपी संत के साथ में दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर देखते रहो। पर डे केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि बायोडक्ट कितना मोदी नगर और मेरठ साउथ के स्टेशन तक कितना कंप्लीट हो चुका है, वो आप सब इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो बने रहिए केपी संत के साथ में और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर डे केपी संत लाता रहता है दोस्तों। तो देख सकते हो, तो आगे जैसे जैसे हम चलते चले जाएंगे वैसे वैसे अभी मेरठ नॉर्थ का स्टेशन आ जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं इतना बायोडक्ट ये क्लियर हो चुका है और इस पर अभी पैराफिट बॉल लगाए जा रहे हैं दोनों साइड में। पैराफिट जैसे जैसे ये लॉन्चर एक पिलर से दूसरे पिलर को ये जोड़ता हुआ जा रहा है बायोडक्ट को, वैसे वैसे इस पर आपको बता दूं कि पैराफिट बॉल लगाने का काम चल रहा है दोस्तों। तो देख सकते हैं ये कुछ पिलर हैं अभी जो बचे हुए हैं, बाकी जो दूसरा लॉन्चर आएगा उसमें आपको बता दूँ कि 36 पिलर हैं ये जोड़ने के लिए दोस्तों, जो बायोडक्ट जोड़ रहा है। तो इधर से भी लॉन्चर लगा हुआ है और एक लॉन्चर उधर से भी लगा हुआ है। तो आप लोगों को बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा आगे वीडियो में, तो बने रहो और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को मोदी नगर नॉर्थ का स्टेशन भी दिखाऊंगा कि उस पर क्या क्या वर्क चल रहा है, क्या क्या वर्क उस पर कितना कंप्लीट हो चुका है, वो सब आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। और मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ ऐसी इंफॉर्मेशन। तो आप बताना मुझे कि वीडियोस कैसे लगते हैं केपी संत के। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है दोस्तों, जहाँ जहाँ पिलर कंप्लीट हो गए वहाँ तो लॉन्चर लगा दिया है, बीच बीच में भी इस पर अभी पियर कैप लगाए जा रहे हैं दोस्तों। और देख सकते हो इसकी जो सेटिंग की जाती है, जो नापतौली का काम है ये पियर कैप लग जाने के बाद में इस पर फिर सेटिंग की जाती है पियर कैप की, फिर उसके बाद में कंप्लीट होता है। तो वो वैसे वैसे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहिए आप लोग केपी संत के साथ में दोस्तों। तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि पियर कैप कैसे लगाए जाते हैं पिलर के ऊपर दोस्तों। तो वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में नहीं देखा था तो आप लोग देख लेना, तो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हो ये आपको बता दूं कि जो इसकी डेडलाइन है पूरे कॉरिडोर की 182 किलोमीटर रूट की, आपको बता दूं कि 17 किलोमीटर का जो पार्ट है प्रियोरिटी सेक्शन है वो साहिबाबाद से लेकर और दुहाई के बीच में अभी मार्च में ही इस पर रैपिड रेल चलानी स्टार्ट हो जाएगी, इसका मुहूर्त हो जाएगा और अभी ट्रायल रन चलना स्टार्ट हो चुका है। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और इसका ऊपर का भी पार्ट दिखाने वाला हूँ कि ऊपर का बायोडक्ट कैसे जोड़ा जाता है, कैसे इस पर ट्रैक स्लैब डाले जाते हैं, कैसे लाइन बिछाई जाती है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो आपको नई साल पर सब कुछ देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखते रहो और नई साल के बाद मैं आप लोगों को ऊपर का बायोडक्ट दिखाऊंगा कि इस पर किस तरीके से ट्रैक बिछाया जाता है, किस तरीके से ट्रैक स्लैब बिछाए जाते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, वो सब कुछ आप लोगों को मैं पहली तारीख से वीडियो आ जाएगी और उसमें आप लोग देख लेना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना वीडियोस को। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर प्यारे दोस्तों देखते रहो। Demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps
you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. देखा दोस्तों आप सभी ने क्या पीछे लॉन्चर लगा हुआ था, उसका मुंह मोदी नगर साउथ के स्टेशन की साइड में था और उधर से भी अभी बायोडक्ट जोड़ता हुआ आ रहा है लॉन्चर, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे आने वाले टाइम में, कुछ महीने के अंदर अंदर। तो कुछ बायोडक्ट इतना क्लियर हो चुका है, ये मोदी नगर नॉर्थ के स्टेशन से पहले का ये बायोडक्ट है जो जोड़ दिया जा चुका है और इस पर पैराफिट बॉल लगाए जा रहे हैं दोस्तों। और पैराफिट बॉल लग जाने के बाद में फिर इस पर फिनिशिंग होगी, फिनिशिंग हो जाने के बाद में फिर इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खंबे लगाए जाएंगे और खंबे लग जाने के बाद में उन पर ओवरहेड इक्विपमेंट लगाया जाएगा, फिर उसके बाद में ओवरहेड वायरिंग का काम किया जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हो कुछ पिलर ये कुछ बायोडक्ट इस लॉन्चर ने ये कनेक्ट कर चुका है, तो अभी जल्दी हो जाएगा। वो 35 पिलर्स हैं जो दोनों साइड में ही लॉन्चर लगा हुआ है, इधर भी और उधर भी दोस्तों। और कुछ पिलर ये बाकी बचे हुए हैं जो कि हम चल रहे हैं मोदी नगर नॉर्थ के स्टेशन के लिए, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर देखते रहो। पर डे केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों हर जगह की। तो आने वाले वीडियोस में आप लोगों को मेरठ के अंदर के वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे और इधर के देखने के लिए मिलेंगे सराय काले खां के दोस्तों। तो आने वाले वीडियोस में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और नए साल से मैं आप लोगों को अपना फेस भी दिखाना स्टार्ट कर दूंगा दोस्तों। तो बने रहो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल पर दोस्तों।
दोस्तों मोदीनगर नॉर्थ के स्टेशन से पहले देख सकते हैं ये पिलर कुछ बचे हुए हैं जो पियर कैप का काम चल रहा है तेज़ी के साथ में। दोस्तों तेज़ी के साथ में अभी इस पर पियर कैप लगाई जा रही हैं इन पर पिलरों पे दोस्तों। और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मोदीनगर नॉर्थ का स्टेशन जो कि RRTS द्वारा बनाया जा रहा है दोस्तों तेज़ी के साथ में। और आपको बता दें ये 82 किलोमीटर का रूट है दोस्तों और इस पर 180 किलोमीटर की रफ्तार से इस पर रैपिड रेल दौड़ेगी। और जब दौड़ेगी तब देखना भाई साहब कनेक्टिविटी कितनी फास्ट हो जाती है हमारे मेरठ की और गाज़ियाबाद दिल्ली की दोस्तों। तो देख सकते हो मेरठ साउथ के स्टेशन पर तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि ये अभी दोनों साइड के विंग्स को जोड़ दिया जा चुका है और इन पर अब गाटर लॉन्चिंग की जा रही है। इस पर कौन कौन लेवल पे भी और प्लेटफॉर्म लेवल पे भी इन पर बस फ्लोरिंग किया जा रहा है गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में। दोस्तों देख सकते हो गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है, अब इन पर फ्लोरिंग किया जाएगा। तो फ्लोरिंग का ही काम चल रहा है अभी, तो इधर अभी गाटर लॉन्चिंग की जाएगी। तो इसमें अभी आपको बता दूँ कि ये जो विंग्स हैं प्लेटफॉर्म लेवल की वो जोड़ी जा रही है और नीचे की भी इस पर विंग्स जोड़े जा रहे हैं दोस्तों। तो यही नज़ारे हैं देख सकते हो, ये बायोडक्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आगे जब हम मोदीनगर साउथ के वो मेरठ साउथ के स्टेशन पर चलेंगे मोदीनगर नॉर्थ के स्टेशन से दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर, KP संत लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देख सकते हो कुछ बायोडक्ट इतना क्लियर हो चुका है यहाँ पर और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ये मोदीनगर नॉर्थ का स्टेशन। क्रॉस करने के बाद में ये नाला आ जाता है मोदीनगर का दोस्तों और उस पर देख सकते हो ये डबल पिलर बनाए गए हैं, फिर उसके बीच में ये बीम रख के और दोनों पिलर को जोड़ा जाता है साइडों से। तो देख सकते हो पिछली वीडियो में जब मैंने आप लोगों को दिखाया था तब इस पर दो गाटर रखे गए थे जो कि स्टील के गाटर हैं और दो गाटर और रख दिए जा चुके हैं, इस पर चार गाटर हो चुके हैं। तो डबल लाइन हो गई आने और जाने के लिए, देख सकते हो तस्वीरें देख सकते हो। ये नाले के ऊपर है दोस्तों तो इस वजह से थोड़ा ये कर्व ले लेता है लेफ्ट में और फिर ये राइट में आ जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर इसे स्टील के गाटर द्वारा इस पर गाटर लॉन्चिंग की गई है दोस्तों। देख सकते हो अभी ये पिलर जोड़े जाएंगे दोनों और जो दूसरा लॉन्चर है वो यहाँ पर स्टैंड किया जा चुका है दोस्तों। और देख सकते हो एक पिलर से दूसरे पिलर को ये जॉइंट भी कर रहा है, तो तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। इन्होंने आपको बता दूँ दोस्तों कि जो सेगमेंट है बायोडक्ट का वो देख सकते हो उठा चुके हैं, दो सेगमेंट उठा लिए, तीन सेगमेंट उठा लिए हैं, चौथा ये उठाया जा रहा है मशीन द्वारा, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो दोस्तों। तो आप लोग बताना क्या KP संत द्वारा वीडियो कैसा लगा आप सभी को, अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करें, ख़राब लगा हो फिर भी हमें कमेंट करा करो दोस्तों, क्योंकि कमेंट करते हो तो मेरा हौसला बढ़ता है और काम करने का ज़्यादा मन करता है दोस्तों। तो देख सकते हो अब दूसरा नाला यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी ये पियर कैप का काम चल रहा है, पियर कैप बनाए जा रहे हैं और आगे ये आपको बता दूँ तिकोना पियर कैप बनाया जाएगा इस जगह पे। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कर्व ले लेगा तो इस वजह से यहाँ पर ये तिकोना पियर कैप बनाया जा रहा है। सेटिंग देखो लगी हुई है और इन पर काम चल रहा है तेज़ी के साथ में दोस्तों। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर। और कुछ बायोडक्ट यहाँ से यहाँ तक ये क्लियर कर चुके हैं जो कि ये जा रहा है मेरठ के साउथ के स्टेशन की साइड में दोस्तों। तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये बायोडक्ट क्लियर हो चुका है, देख सकते हो इसके जो सेगमेंट है वो रखे हुए हैं यहाँ पे। तो यहीं से ट्रकों द्वारा आते हैं यार्ड से और फिर इसमें जोड़ा जाता है दोस्तों। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को। तो आप लोग इसे देख लो कि इस बायोडक्ट को कितना जोड़ दिया जा चुका है, वो आप लोग अपनी आँखों से देख सकते हो इस बायोडक्ट को। तो जल्द ही जोड़ दिया जाएगा और इस पर जो पैराफिट बॉल का काम है वो किया जा रहा है अभी इस टाइम पे, और इसको जैसे एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर देते हैं फिर इस पर पैराफिट बॉल इस पर
जोड़ने का काम किया जाता है दोस्तों। तो ये जल्दी ही जुड़ के कम्प्लीट हो जाएगा मेरठ साउथ के स्टेशन तक दोस्तों। तो कुछ पैच बचे हुए हैं इसमें, मोदी नगर के बीच में ही जो पैच बचा हुआ है वो मोदी नगर के अंदर ही है, बाकी तो ये जल्दी ही जुड़ जाएगा। तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा आगे। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो। तो यहाँ तक ये बायोडेक्ट जोड़ चुका है ये लॉन्चर, और ये इसका मुँह है दोस्तों मेरठ साउथ की स्टेशन की साइड में दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत का। इस मिलते किसी